गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. 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 गुड मॉर्निंग. ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने. क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, आपको इसको सिंपलीफाई करना है. आपको सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 upon, okay, square root of 80 plus square root of 48 minus square root of 45 minus of square root of 27. इस क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, लेट्स डू इट. फटाफट फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो, क्या रहा है आप लोगों का. चलिए आंसर आ जाते हैं तो फटाफट फटाफट आप मुझे बता सकते हैं. क्या बात है. ओके ओके. यस श्रेयस बेटा. सबका आंसर वन के पास आ रहा है. वन आ रहा है ना. बिल्कुल वन आ रहा है. बहुत अच्छे. ठीक है. यस सबका आंसर वन आ रहा है. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. दीप को कुछ बोलना है क्या दीप. ठीक है सबका आंसर वन आ रहा है. बहुत अच्छे. ओके चलो लेट्स सी हाउ टू सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन. रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 लिखा है. नीचे वाले को सिंपलीफाई करते हैं. रूट 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 5 का रूट विच इज 4 रूट ऑफ 5. ये रूट 80 लिख सकता हूँ मैं. 4 रूट 5 लिखा है. फिर क्या लिखा हुआ है, रूट 48 विच इज 16 इंटू 3, 4 रूट ऑफ 3. और 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5 विच इज माइनस ऑफ 3 रूट 5 माइनस 3 रूट ऑफ 3. रूट फाइव प्लस थ्री रूट ऑफ थ्री अपॉन रूट ऑफ फाइव प्लस रूट ऑफ थ्री बचेगा. कैसे, फोर एप्पल्स माइनस थ्री एप्पल वन एप्पल. फोर बनाना माइनस थ्री बनाना वन बनाना. सो आंसर इज वन. आई गेस सबको बहुत अच्छे समझ आ गया. अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं. चलो थोड़ा और मजा आएगा करने में. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज, किसी को कोई डाउट है तो स्टिल यू कैन रेज योर हैंड. ओके आपको अगर डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड. अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो, अगर एक्स की वैल्यू लिखी हुई है 6 minus root of 35, then find the value of x square plus 1 upon x square. आपको x square plus 1 by x square का value बताना है. ठीक है सबका आंसर वन आ गया. बहुत अच्छे. मतलब आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हो. ठीक है बहुत अच्छे से पढ़ो ऐसे. ठीक है x का वैल्यू 6 minus root of 35 है. आपको x square plus 1 upon x square बताना है क्या होगा.
मुस्तफा का आंसर मेरे पास वन आ गया है. मुस्तफा वन इज द आंसर. ओके आर्यन का भी आंसर वन आ गया मेरे पास. सबसे पहले मुस्तफा ने दिया वन आंसर. अच्छा लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी. मुझे नए वाले क्वेश्चन का दे रहे हो या पुराने का आंसर दे रहे हो मुझे मुस्तफा? पुराने का. ओके 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 पुराने का मिल रहा है आंसर. नए का मुझे आंसर चाहिए. नए का कौन देगा? यस आर्यन सर वन. नए वाले का वन आ रहा है. हाँ सर मैंने पहले. ठीक है चलिए लेट्स सी. इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ. 142 श्रेयस का आंसर है. बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है. श्रेयस ने सबसे पहले आंसर दिया 142. ओके लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. चलिए लेट्स सी. देखो x का वैल्यू 6 माइनस रूट ऑफ 35 है. 1 अपॉन x क्या हो जाएगा? लेट्स सी दैट. तो 1 अपॉन 6 माइनस रूट ऑफ 35. अब इसको सिंपलीफाई करना है तो क्या रेशलाइज करूंगा? 6 प्लस रूट 35, 6 प्लस रूट ऑफ 35 से. अब क्या हो जाएगा न्यूमरेटर 6 प्लस रूट ऑफ 35. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरे पास? a माइनस b, a प्लस b, व्हिच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 36 माइनस 35. सो योर आंसर इज 6 प्लस रूट ऑफ 35. इज इट क्लियर? 6 प्लस रूट 35 1 बाय x हो गया. अब मुझे एक चीज बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर. लेकिन जब मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा बताओ? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 आएगा. बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो इम्बैलेंस हो गया ना. लेफ्ट हैंड साइड में तो भैया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर था, राइट हैंड साइड आपने प्लस 2 के साथ निकाला. तो एक माइनस 2 कर दो ना आप, माइनस 2 कर दो ना आप. तो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया. सही है. तो अब x प्लस 1 बाय x क्या होता है वो लिख लेते हैं. तो x प्लस 1 बाय x, x का वैल्यू क्या है? 6 माइनस ऑफ रूट ऑफ 35. 1 बाय x क्या है? 6 प्लस रूट ऑफ 35. अब इसको क्या करना है? स्क्वायर करना है और माइनस 2 करना है. ठीक है तो रूट 35 रूट 35 कट गया. 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12. 12 का स्क्वायर माइनस 2. सो 144 माइनस 2 142. बिल्कुल सही. श्रेयस का आंसर सबसे पहले मेरे पास आया था और सबसे करेक्ट आंसर था. ठीक है सर. यस बेटा आर्यन. अब आप ही समझा दो ना नेट चलेगा. क्या किया है हमने आर्यन? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को लिख दिया x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2. ये स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ. दिस इज द स्टेप. ठीक है फिर हमने क्या किया? x प्लस 1 बाय x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. x की वैल्यू 6 माइनस रूट 35 थी, 1 बाय x की 6 प्लस रूट 35 थी. सब्सटीट्यूट कर दिया, रूट 35 रूट 35 कट गया, 6 प्लस 6 12 हो गया. यस रिद्धि. सर ये वाला जो स्टेप है ना जिसमें हमने ब्रैकेट में लिखा है 6 माइनस अंडर रूट 35 वाला. हाँ तो सर वो वाला स्टेप बताओ. देखो x की वैल्यू क्या है? 6 माइनस रूट 35 है. 1 बाय x की वैल्यू देखो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, हमने फाइंड आउट किया 6 प्लस रूट 35 तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब रूट 35 पॉजिटिव आपस में कट जाएगा. 6 प्लस 6 12 बचेगा. 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 गिव्स यू 140. हाँ सर क्योंकि मेरा 141 आ रहा था इसलिए. ठीक है देखो 142 आ रहा है. सबको समझ आ गया? ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस सर. जिसका भी बाकी है तो यू आर सपोज्ड टू रेज योर हैंड. आई विल वेट एंड गिव यू चांस टू राइट. ओके लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये है. x की वैल्यू है रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 3. ठीक है रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 3. ठीक है और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर करनी है. आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. x आपको दिया हुआ है. तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में, जो लास्ट क्वेश्चन था, कभी भी हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर ढूंढना है तो मैं x को स्क्वायर कभी नहीं करता हूं. ओके तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती चीज. सो आई नेवर डू x स्क्वायर. हम x प्लस 1 बाय x के फॉर्म में कन्वर्ट करके वहीं से मैनिपुलेशन करते हैं ताकि जब फाइनली मुझे स्क्वेयरिंग करने का नंबर आए ना तो कभी भी इंटीजर्स को स्क्वेयर करने का नंबर आए रादर देन स्क्वेयरिंग दिस 6 माइनस रूट 35. उसको स्क्वेयर करूंगा तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा. तो कभी भी मैं ऐसा नहीं करना चाहता. मैं स्क्वेयर कभी भी अगर करूंगा तो कुछ ऐसे नंबर्स को ही स्क्वेयर करूंगा, जैसे 12 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, इंटीजर्स हो जो.
ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। अच्छा मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ, प्लीज आप अपना होमवर्क भी नोट डाउन करें। श्रेयस का आंसर 62 आ गया है मेरे पास। ओके देव ने सेकंड दिया 62, मतलब जबरदस्त कर रहे हो तुम लोग यार, फटाफट आंसर दे रहे हो, क्या बात है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग जब तक सॉल्व करेंगे ठीक है, मैं नीचे होमवर्क लिख देता हूँ। क्या अक्षत का भी आ गया, रिद्धि का भी आंसर मेरे पास आ गया, रिद्धि क्या बात है। स्वाति का भी आ गया, असद वेरी गुड, दीप का भी आंसर आ गया है। ओके डीपीपी 4 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर नेक्स्ट क्लास। ओके उसके बाद आपको और क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। ड्रिल 1 कंप्लीट कर देना है पूरा का पूरा, ड्रिल 1 ठीक है। और क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, एमसीक्यू 1 आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट, एमसीक्यू 2 हो जाना चाहिए कंप्लीट ठीक है। कितना आप नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट कर देंगे ठीक है। डीपीपी 4, ड्रिल 1, एमसीक्यू 1 एंड एमसीक्यू 2 ठीक है। सारा होमवर्क नोट डाउन कर लें आप। ओके चलिए लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन को एक्स को सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या करूँगा रेशलाइज करूंगा, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 3। इसको रेशलाइज करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 3, सॉरी रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 से रेशलाइज होगा, डिनोमिनेटर का कंजुगेट तो क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3। ये कितना आ जाएगा देखो, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3 मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट ऑफ 5 प्लस 5 इंटू 3 15 अपॉन 2 आ जा रहा है 8 प्लस 2 रूट ऑफ 15 डिवाइड बाई 2 विच इज 4 प्लस रूट ऑफ 15। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई अभी, इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है, मेरे पास अभी x की वैल्यू आई है ठीक है। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 बाई एक्स निकालूंगा, तो 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 प्लस रूट ऑफ 15 ठीक है, 1 अपॉन 4 प्लस रूट ऑफ 15 रेशलाइज करूंगा 4 माइनस रूट 15 से, 4 माइनस रूट ऑफ 15 से तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस रूट ऑफ 15 अपॉन 4 प्लस रूट 15, 4 माइनस रूट 15 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा नीचे 1। इज इट क्लियर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगाई है। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। सो एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, 4 प्लस रूट 15 प्लस 4 माइनस रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस 2 विच इज 64 माइनस 2 विच इज 62 ठीक है। आई गेस सबको समझ आ रहा है, विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। होमवर्क मैंने दिया हुआ है वो लिख लें आप, दिस इज द होमवर्क, डीपीपी 4, एमसीक्यू 1, एमसीक्यू 2, ड्रिल 1 ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, प्रॉब्ली लास्ट ऑफ दिस टाइप है, एक्स की वैल्यू है 9 प्लस 4 रूट ऑफ 5, आपको ढूंढना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका वैल्यू आपको बताना है।
लेट्स सी सबसे पहले कौन आंसर देता है. x is 9 plus 4 root of 5. Okay. x का वैल्यू ओके. श्रेयस का आंसर सबसे पहले आ गया मेरे पास 4. वेरी गुड. करेक्ट 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 करेक्ट. मतलब बिल्कुल जबरदस्त आंसर दे रहे हो यार श्रेयस. फिर देव क्या बात है, बहुत अच्छे. स्वाति का थर्ड आंसर आ गया मेरे पास 4. यस. मतलब यहाँ पे तो रियल टाइम एनालिसिस हमें पता चल जाता है कौन सबसे पहले बता रहा है. दीप 4th आया. 5th प्रतीक का आंसर आ गया. रिद्धि का भी आंसर आ गया. वेरी गुड प्रशम. मुस्तफा इज आल्सो गिवन द आंसर. बारिश हो गई आंसर्स की तो असद ने भी दे दिया, श्रेया ने भी दे दिया है, अक्षत वरुण सबका आंसर आ गया. बहुत अच्छा वेरी गुड. आशिका का आंसर नहीं आया मेरे पास. आशिका व्हाट हैपेंड. आशिका भी आंसर आ गया. आशिका इज आल्सो गिवन मी द आंसर. यस. आर्ची इज नॉट देयर. आर्ची नहीं है क्या क्लास में. आर्ची इज देयर. आर्ची क्या हुआ. आर्ची का भी फाइनल आंसर आ गया मेरे पास. यस. आर्यन का आंसर है ओके. आर्यन ने भी दे दिया फाइनली ओके. हातिम, हातिम का आंसर मेरे पास नहीं आया आई गेस. हातिम क्या हुआ बेटा, नहीं पता चल रहा है क्या. प्रतीक का भी नहीं आ रहा है. हातिम सर सॉल्विंग करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट करना है आपको. देखो बहुत ज्यादा कंपटीशन है. कृतिक, कृतिक का क्या हुआ. कृतिक हाँ बेटा. कृतिक मुस्तफा का आंसर मेरे पास आ गया. लेट मी सी. मुस्तफा ने भी दे दिया. यस. नईम का आंसर मेरे पास नहीं आया. नईम. सलमान का भी आ गया फाइनली. यस यस यस. नईम का आंसर मेरे पास नहीं आया. नईम. मीना का भी आ गया. वेरी गुड. करो करो बेटा जल्दी करो. पार्थिव का आंसर नहीं है. पार्थिव पता चल रहा है बेटा आपको. हाँ सर ठीक ठाक पता चल रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ. करो करो. विवेक सर का आंसर नहीं है. विवेक बोल रहा सर एक्चुअली मेरा रोल ही है 7500 का. चलिए ठीक है. अच्छा लेट्स गो फॉर दिस नाउ. लेट्स सी. नईम का भी आंसर आ गया फाइनली मेरे पास. कृतिक मुझे आंसर नहीं दे पा रहा. कृतिक बेटा. कृतिक ठीक है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ. कैसे इसको करेंगे. सी इसके अंदर बहुत अच्छी सी ट्रिक है. मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ठीक है. मतलब मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 9 प्लस 4 रूट ऑफ 5 का. अब स्क्वायर रूट निकालना है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा. ये परफेक्ट स्क्वायर अंदर की फोटो रही होगी तभी तो वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है. हाँ कृति करो करो आराम से करो. ठीक है. तो अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा. अब परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा मतलब या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहा होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर रहा होगा. अब आपकी आंखें आप देख के बता सकते हैं. क्या बता सकते हैं. देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है. फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है. अगर आप ऑब्जर्व करो तो प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा. दिस विल नॉट बी देयर. मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा. अब ये a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो इसमें a और b क्या रहा होगा. लेट्स सी दैट. तो मतलब मैंने बोला कि 9 प्लस 4 रूट ऑफ 5 जो है मेरा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा. सो आई विल ट्राई एंड मेक इट a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं कैसे बनाऊंगा इसको. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड a स्क्वायर. ठीक है. क्या करेंगे हम इसको. एक सेकंड. इसको हम क्या करेंगे. इसको हम करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 9 प्लस 4 रूट ऑफ 5 लिखा है. ओके. अब देखो कैसे मैं अंडरस्टैंड करता हूँ किसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा है. तो 9 प्लस 4 रूट 5 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या. देखो 9 प्लस 4 रूट 5 कैन बी रिटन एज 2 रूट ऑफ 5. ओके. अब देखो 9 को क्या लिख सकते हैं. देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैं किससे रिजेंबल कर रहा हूँ. देखो 2 लिखा हुआ है, ये a लिखा है, ये b लिखा है. ठीक है.
अब नाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, नाइन को मैं लिख सकता हूँ फाइव और फोर में, फाइव प्लस फोर, जबकि फाइव क्या हो जाएगा रूट ऑफ फाइव का होल स्क्वायर. ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइव क्या हो जाएगा रूट ऑफ फाइव का होल स्क्वायर, फोर क्या हो जाएगा टू का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ये एक्चुअली लिखा हुआ है टू प्लस रूट ऑफ फाइव का होल स्क्वायर विच इज नाइन प्लस फोर रूट ऑफ फाइव. तो अगर मैं दोनों साइड अब स्क्वायर रूट लगाता हूँ, स्क्वायर रूट लगाता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस फोर रूट फाइव, तो ये तो कट गया, तो क्या आ जाएगा टू प्लस रूट ऑफ फाइव आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर आई केम टू नो दैट रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी है टू प्लस रूट ऑफ फाइव. अब इसका रेसिप्रोकल है मतलब क्या हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस रूट ऑफ फाइव. अब मैं इसको रेशलाइज कर सकता हूँ क्या, टू माइनस रूट फाइव अपॉन टू माइनस रूट फाइव से. ठीक है, आप लोगों ने कर लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतना सारा आप लोग अच्छे से खुद से कर लेते हैं. टू प्लस रूट फाइव माइनस यहाँ पे है, अब टू माइनस ऑफ रूट फाइव न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टू प्लस रूट फाइव टू माइनस रूट फाइव, तो फोर माइनस फाइव विच मीन्स माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन अब आपके पास सिंप्लीफाइड क्या आ जाएगा टू प्लस रूट ऑफ फाइव प्लस टू माइनस ऑफ रूट ऑफ फाइव, रूट फाइव रूट फाइव कट गया, टू प्लस टू कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा. सो दिस इज योर आंसर, सो फोर इज योर आंसर. ठीक है, ऐसे करेंगे, नोट इट डाउन. ठीक है, सारे बच्चे नोट कर लेंगे, देन वी विल गो विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, यहाँ पे इसको कंक्लूड करेंगे, रेशनलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है. अब हम सर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, सर्ड्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, जिसके ऊपर पूरा आपका डी पी पी फाइव है. ठीक है, सर्ड्स वाला, और फर्दर ऑन क्वेश्चन भी आप उसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे. चले, सबने नोट कर लिया? ठीक है, सबको समझ आ गया कैसे कर रहे हैं. ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन. यस दीप सर, नोट करना बाकी है. नोट कर लो, नोट कर लो, आराम से नोट करो. यस प्रतीक बेटा, क्या डाउट है बताओ. एक मिनट, आप रेज हैंड करोगे तो मेरे को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, बताओ. सर, सर्ड्स और इंडाइसेस सेम होता है? सर्ड और इंडाइसेस सेम होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं. चलें, आई गेस सबने नोट कर लिया है, किसी का बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल वेट. ओके ओके ओके, आई विल वेट, आई विल वेट, मैं वेट कर रहा हूँ. लिखिए, आराम से लिखिए, टेक योर टाइम. चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ.
switch the presentation. अब हम surds में जा रहे हैं. ठीक है. Okay, let's come to the second concept, which is surds. अब surds क्या होते हैं? देखो, we'll understand. See, power and indices जो हमने पढ़ा था 8th में, वो general terminology है. surd कुछ और होता है. ठीक है. सर्ड बोल सकते हो, इट्स अ सबसे सर्ड ऐसा बोल सकते हैं, छोटा सा पार्ट है पावर और इंडेसेस का. ठीक है. अब जब हम सर्ड्स की बात करते हैं तो सर्ड होता क्या है? इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देखिए आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, द nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है. देखो सर्ड्स में क्या लिखा है, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर ए, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इसका nth पावर है, ठीक है, ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी nth पावर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख पाओ, ठीक है, अब ऐसे अगर मैं लिखता हूँ nth पावर, व्हाट डू आई मीन बाय nth पावर, nth पावर का मतलब क्या है? तो होगा क्या, किसी भी एक रेशनल नंबर की अगर आप nth पावर लेते हो, जहां पे a जो है वो एक रेशनल नंबर है और जो n है वो भी एक पॉजिटिव nth रूट है, तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलता है वो एक सर्ड होता है. जैसे कि आपने क्या किया, फोर्थ रूट ऑफ फाइव कर दिया. फोर्थ रूट ऑफ फाइव का क्या मतलब है आपको पता है? फोर्थ रूट ऑफ फाइव का मतलब ये है कि फाइव की पावर वन बाई फोर लिखा हुआ है, तो ये एक सर्ड है. अब सर्ड क्या होता है? सर्ड एक इरेशनल नंबर ही होता है, लेकिन हर, देखो, हर सर्ड इरेशनल होता है, लेकिन हर इरेशनल एक सर्ड नहीं होता. क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीजन है. मान लो 2.3 है, ठीक है, अगर मैं मान लो 2.3 का स्क्वेयर रूट निकालता हूँ, तो स्क्वेयर रूट 2.3 का भी इरेशनल होता है. ठीक है, स्क्वेयर रूट फाइव का भी इरेशनल होता है, लेकिन ये सर्ड है और ये सर्ड नहीं है. ये सर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंदर वाला नंबर है, ये जिसको हम ए बोल रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव रेशनल, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, जो हमारे पास अंदर जो चीज लिखी हुई है वो एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू. देखो क्या लिखा, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर है, मतलब अंदर वाला जो है, एक सेकंड, ये एक्चुअली 2.3 की जगह मुझे ऐसा लिखना चाहिए था. एग्जांपल 2.3 सही नहीं है. मान लो मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिखा, रूट ऑफ 5 प्लस 3 का स्क्वायर रूट. ठीक है, मान लो ऐसा लिखा है, रूट ऑफ 5 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, और इसकी जगह मैंने लिखा है 5 का स्क्वायर रूट. ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं. ठीक है, लास्ट वाला एक्चुअली अगर जो हमने लिखा था रूट ऑफ 2.3, कृतिक आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, देखो मैंने क्या लिखा है, क्या डिफरेंस है एक सर्ड में, ठीक है, और एक नॉर्मल इरेशनल नंबर में. एक सर्ड जो होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है, ठीक है, ये एक सर्ड है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 3, दिस इज नॉट अ सर्ड. अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ रूट ऑफ 2.3, तो यस, ये भी एक सर्ड ही होगा. ठीक है, अब एक नॉर्मल नंबर में, नॉर्मल सर्ड में और एक जो सर्ड नहीं है, उनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, पहले तो दोनों के बीच में खासियत क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है, जो हम बात कर रहे हैं दोनों इरेशनल है. ठीक है, अब दोनों ही इरेशनल है, तो सर्ड और इसमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ. यस प्रशम सर, रूट 5 प्लस 3 वाला जो है वो सर, वो नॉन सर्ड कैसे हुआ? वही मैं बता रहा हूँ. देखो, सर्ड होने की खासियत क्या है, सर्ड होने की खासियत क्या है, अगर आप nth रूट ऑफ a लिखते हो, nth रूट ऑफ a लिखते हो, ये वाली चीज लिखते हो, तो जो अंदर a है ना, ये रेशनल होना चाहिए. जो अंदर a है वो रेशनल होना चाहिए. देखो, मैंने कहा a इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. अगर मैं रूट के अंदर देखूं 5, तो वो पॉजिटिव रेशनल है. रूट के अंदर 2.3 देखो, तो पॉजिटिव रेशनल है. लेकिन क्या रूट ऑफ 5 प्लस 3 जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, ये पॉजिटिव रेशनल है? नो, ये खुद में ही एक इरेशनल नंबर.
तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो रूट ऑफ एनथ है ये क्या है, ये रेडिकल का साइन है। रेडिकल का साइन मतलब जो पावर जो है वो आपकी रूट ऑफ एन है, मतलब वन अपॉन एन में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ रूट ऑफ फाइव लिखा हुआ, रूट ऑफ फाइव फिर क्या लिखा होगा, फाइव की पावर वन बाय टू। तो जो ये एन है यहाँ पे, ये एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ये वाले केस में और ये वाले केस में, दोनों में, इन केसेस में क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये वाली चीज तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अंदर वाला जो नंबर है वो भी आपका पॉजिटिव रेशनल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इरेशनल है, इसीलिए फर्स्ट वाला सर्ड नहीं है। सर्ड की डेफिनेशन क्लियर है, जो भी रेडिकल है, ये रेडिकल है, तो जिसका भी रेडिकल है वो इंटीग्रल होना चाहिए, और जो अंदर रेडिकेंट है, जो ए है ना उसको रेडिकेंट बोला जाता है, तो अंदर जो रेडिकेंट है वो मेरा रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो एन होता है वो ऑर्डर डिनोट करता है सर्ड का, तो अगर सेकेंड ऑर्डर सर्ड है तो स्क्वायर रूट होगा, थर्ड ऑर्डर सर्ड है तो क्यूब रूट होगा, फोर्थ ऑर्डर सर्ड है, फिफ्थ ऑर्डर सर्ड है, तो हमें ये पता चलेगा, ठीक है। और ये भी क्या होंगे, हमेशा सर्ड जो होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, nth रूट ऑफ ए इज नथिंग बट ए रेज टू वन बाई एन, बिल्कुल ये हमको तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स से मालूम है, लास्ट ईयर हमने जब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है। तो एक बार इसको सबको नोट कर लो, मैं हटा देता हूँ सब कुछ, सारा टर्मिनोलॉजी एक बार नोट कर ले आप। Yes, Deep. Sir. Yes, Deep. Sir, root 4 एक third होगा या नहीं? नहीं होगा. Root 4 will not be a third. Third क्या होता है? एक irrational number होता है. Sir, पर उसमें भी 4 एक rational number है और 2 एक positive integer है ना? But root of 4 irrational होता है क्या? नहीं. है ना? Yes, sir. सलमान, फोर्थ पॉइंट, एन इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, भाई अगर लिखा होगा क्यूब रूट ऑफ थ्री, ठीक है, तो वो एक सर्ड है जिसका ऑर्डर थ्री है, ठीक है। जो एन होता है ना, एन ये डिनोट करता है ऑर्डर, ये बताता है सर्ड का ऑर्डर क्या है, ठीक है। ओके, क्या क्या होना चाहिए, देखो फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको। ये एक सर्ड होगा, ठीक है, जिसमें ए क्या होगा, रेशनल, और n क्या होगा आपके पास, a will be rational, और n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 4 ये सब हो सकता है, ठीक है। 1 नहीं हो सकता एक्चुअली, क्यों, क्योंकि a का पावर 1 मतलब क्या है, a itself, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो ये फाइनल आंसर आपके पास आना चाहिए, एक इरेशनल आंसर होना चाहिए, ठीक है, इरेशनल होना चाहिए। आगे आई गेस नोट कर लिया है साशी, यस दीप, अभी भी कोई डाउट है क्या? नो सर। आशी क्या डाउट है बताओ? आशी सब क्लियर है? तो एक बार वापस समझाओ कि रूट फोर सर्ड क्यों नहीं है? रूट ऑफ फोर इसलिए सर्ड नहीं है क्योंकि सर्ड वो होता है जो एक इरेशनल नंबर है, रूट फोर तो टू होगा ना,
ठीक है ओके सर चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ अब क्या लिखा हुआ है देखो अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या लिखा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ए शुड बी अ पॉजिटिव रेशनल नंबर ठीक है तो रूट ऑफ माइनस फाइव इज नॉट असर्ट बिल्कुल स्क्वायर रूट ऑफ देखो nth रूट ए है जिसमें ए क्या होना चाहिए पॉजिटिव रेशनल होना चाहिए बट यहाँ पे तो माइनस फाइव है ठीक है नेक्स्ट क्या लिखे हैं देखो रूट ऑफ ठीक है अब ये एक्चुअली नाइन लिखा हुआ है ठीक है ये जो चीज लिखी है ये स्क्वायर रूट ऑफ नाइन लिखा है वो सर्ट नहीं होता क्यूब रूट ऑफ 27 ये भी सर्ट नहीं होता क्यों ये थ्री देगा ये टू देगा ये भी थ्री देगा ये भी आंसर थ्री देगा ये भी आंसर थ्री देगा तो आंसर क्या रहा है रेशनल आ रहा है जिसका आंसर रेशनल आता है दैट इज नॉट अ सर्ट ठीक है ठीक है इसको नोट कर लेंगे रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ ठीक है नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे आगे ठीक है टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक यू ओके इसको नोट कर लें थैंक यू एवरीवन कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं आप ओके थैंक यू ओके होमवर्क ध्यान से करना जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसको ट्राई करें आप ठीक है ओके आई एंड द मीटिंग ओवर हियर किसी को कोई डाउट है अक्षय थैंक यू एवरीवन अर्थिव थैंक यू चलिए ओके सो आई एंड द सेशन बाय बेटा ठीक है ओके okay.